शीत पित्त उदर कोट आज का टॉपिक है शीत पित्त उदर कोट। और मैं हूँ डॉक्टर श्याम वीर गोरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर रोग निदान डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज हम पढ़ेंगे शीत पित्त उदर और कोट। यह एक रोग निदान विषय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन आयुर्वेदा एलर्जिक मैनिफेस्टेशन इन मेंशन अंडर द कंसेप्ट ऑफ सातम्य असातम्य इन मैनिफेस्ट ड्यू टू एक्सपोज टू असातम्य हार विहार एंड कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट पॉइजनस मटेरियल एलर्जेंस। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक स्किन रिएक्शन इज मेंशन एज कोट इज इन बृहत्तरी लेटर ऑन इट इज डेवलप्ड एज ए सेपरेट डिजीज अंडर द टाइटल शीत पित्त उदर कोट बाई माधवकर। द वर्ड एलर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक बुक वर्ड एलोंस मीनिंग अदर एंड एरगोन मीनिंग वर। एलर्जी इज वन ऑफ फोर फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिविटी एंड इज फॉर्मली कॉल्ड एज टाइप फर्स्ट और इमीडिएट हाइपर सेंसिविटी। एलर्जिक रिएक्शन आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन वाइट ब्लड वेसल्स कॉल्ड मास्ट सेल्स एंड वैसोफिल्स बाई ए टाइप ऑफ एंटीबॉडी कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन ई आई जी जी ई। द प्रॉपर रेफरेंसेज फॉर शीत पित्त आर नॉट फाउंड इन बृहत्तरीज बट एक्सप्लेनेशन अबाउट उदर्द कोट उत्कोट आर फाउंड एज ए व्याधि और पूर्व रूप ऑफ लक्षण और लक्षण से। इन आयुर्वेदिक टेस्ट द शीत पित्त उदर्द एंड कोट दीज थ्री डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब ऑलमोस्ट सिमिलर बट हैविंग फ्यू डिफरेंट करेक्टर्स एंड डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर्स। शीत पित्त एंड उदर्द आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर Described by Madhavkar. He quoted that Shit Pitta having Vatika dominancy while Udarda having Kapha dominancy and also mentioned specific characteristics of Udarda. इस प्रकार माधवकर ने शीत पित्त उदर्द का वर्णन शीत पित्त उदर्द कोट का वर्णन किया है। इसमें शीत पित्त में मेनली वात दोष की प्रधानता रहती है और उदर्द में कब दोष की प्रधानता बताई गई है। द ग्रेट फिजिशियन चरक हैज नॉट डायरेक्टली यूज्ड ए वर्ड शीत पित्त व्हाट वर्ड कोट उत्कोट एंड उदर्द हैज मेंशन्ड एट डिफरेंट प्लेस। माधव निदान एक्सप्लेन डिटेल निदान पंचक ऑफ शीत पित्त उदर्द कोट ही ओनली मेंशन्ड शीत मारुत स्पर्श हैज पॉजिटिव फैक्टर। आचार्य माधवकर ने माधव निदान में शीत पित्त उदर कोट का पॉजिटिव फैक्टर बताया है शीत मारुत स्पर्श है। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। वर्टी दंश संस्थान शोथ कंडू बाहुल टोद बाहुल छर्दी ज्वर विदहा सुरसंग सरंग मंडल है। क्षणी कोतपत्ति विंस। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। संप्राप्ति किस प्रकार से होती है। संप्राप्ति इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ ए डिजीज बाय वाइटेटेड दोसाज विच आर कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। द फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द संप्राप्ति ऑफ शीत पित्त उदर्द कोट इज माधवकर इन माधव निदान। एज अदर आचार्य हैव जस्ट रिपीटेड द सेम थिंग प्रकोपित वात एंड कफ प्रदुष्ट टू कफ मारुत ड्यू टू शीत मारुत आदि निदान आज शीत मारुत संप्रस्त बहन
being mixed with pitta, pityena sah sambhuvah, internally and externally bahir antar visarpata, and results into sheet pitta udard kota. इस प्रकार के सब पैथोजेनेसिस बताई गई है। अब इसमें संप्राप्ति घटक क्या क्या होंगे, दोष त्रिदोष हो जाते हैं, त्रिदोष होते हैं, दूसरे में रस और रक्त अग्निमंद रहती है, दोष गति वृद्धि त्रियक और शाखाओं में व्याधि मार्ग बाह्य स्रोत रस वय रक्त वय स्रोत दृष्टि का प्रकार बीमार गमन उद्भव स्थान आमाशयगत होता है व्यक्त स्थान त्वचा में और स्वभाव आशुकारी होती है। मॉडर्न व्यू में इसे अर्टिक्रिया से कोरिलेट किया गया है। अब इसमें अर्टिक्रिया का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। द वर्ड अर्टिक्रिया डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अर्टिका विच मीन्स स्टिंगिंग नेटल ए ट्रांसिएंट रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन विद ईचिंग कॉजिंग वील्स इन द डर्मिस ऑफ लार्ज हाइपोडर्मल स्वेलिंग्स इज कॉल्ड अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया हैव्स आर ट्रांजिएंट लीजन दैट आर कंपोज्ड ऑफ ए सेंट्रल व्हील सराउंडेड बाय एन एरिथमेटस हेलो। इंडिविजुअल लीजन आर राउंड ओवल और फिगुरेट एंड आर ऑफन क्यूरेटेड। अब इसकी पैथोजेनेसिस मॉडर्न व्यू में अर्टिकेरिया रिजल्ट्स फ्रॉम एन इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जन और एन एंटीजन। ऑन एक्सपोजर द स्किन मास्ट सेल रिलीज द मीडिएटर हिस्टामिन थ्रू हिस्टामिन इफेक्ट्स ऑन द हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स। द कैपिलरीज आर डायलेटेड विद द डायलेशन ऑफ द कैपिलरीज vascular permeability occurs, alveolar dilation through nerve reflex causes the typical flooding and eventually the extravasation of blood causes the wheals. Histamine also causes the pruritus that accumulates the condition. Other mast cells products act as hemostatic factors that attract other facts or cells such as eosinophils. Urticaria results not only from sensitivity to antigens, but also from physical factors such as cold, heat, sunlight, water, pressure, and vibration. The underlying mechanisms are not well understood, but the final common pathway is believed to involve release of mediators by activated mast cell and basophilic leukocytes. The mediators increase vascular permeability and plasma leaks into the dermis, resulting in urticarial veins. अब इसमें classification बताते हैं दो टाइप से acute and chronic. सबसे पहले acute urticaria, typically lesion lasting less than 6 weeks are refers to a acute urticaria. This form is more common in young people and is most likely due to exposure to food allergens, food additives, certain medication. Or second, chronic urticaria. The word chronic simply means that it lasts a long time. If urticaria lasts 6 weeks or more, it is called chronic urticaria. अब इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखेंगे अर्टिकेरिया में। चक्रदत्त has clearly and systematically described the saman chikitsa of these disease, giving considerable importance to dosh gati. He has advised that the individual suffering from sita pitta can be given either sit or ushnahar and paniyas with due consideration to dosh gati. Bhaprakash has described sodan saman and
बहि परिमार्जन चिकित्सा इन शीत पित्त योग रत्नाकर हैज डिस्क्राइब क्रिमिग्न एंड दर्दुग्न ड्रग्स टू ट्रीट शीत पित्त प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शीत पित्त दर्द और कोट इस नियम कराते हैं स्वेदन बमन विरेचन रक्त मोक्षण लेप उद्वर्तन इस प्रकार से शीत पित्त दर्द और कोट का आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया है। थैंक यू।